हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, मैं आपका इकबाल शाहिद। आज आपको मैं पंडोलियम आर्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि कैसे उसको बनाना है और कैसे उसका सेट करना है। वो आप बिल्कुल मामूली चीज़ें हैं जिनसे आप उसका जो है वो सेटअप कर सकते हैं और बना सकते हैं। आजकल वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मैंने पहले भी बताया है कि वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये आर्ट। तो ये बनाने के लिए अब मैं आपको बता दूं पहले ये कि क्या कैसे करना है, उसके बाद फिर मैं आपको आगे उसको बना के दिखाऊंगा। फिर आज की जो है तो उसके लिए ये सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि एक एक्रेलिक पेंट लेना है। ये एक्रेलिक पेंट है और उसके बाद दो गिलास लेने हैं, एक ये गिलास है, एक ये बड़ा गिलास है, एक ये डब्बी छोटी, इसमें आपने ग्लू डालना है, ग्लू से आपने वो डब्बा बनाना है। और ये प्लेट लेनी है आपने, जो आपके काम आएगी बनाते हुए, जब पेंट चल रहा होगा तो आपने उसको होल्ड करना है ताकि पेंट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो और पेंट को ख़राब ना करे। एक मार्कर चाहिए आपको, उसके बाद एक कटर चाहिए, उसके बाद आपको जनाब ये बारीक रस्सी या ऊन की रस्सी, ये देखें ये हमने बनाई हुई है, ये देखें ये ऊन की रस्सी। आपने ये हुक, एक हुक जो है ये आपने हुक जरूर बनानी है, खुद बन जाएगी ये, बिल्कुल मामूली बात है। और एक ये पट्टी, वुड की स्टिक जो है, इसलिए कि आपने जब ये गत्ते के दो गत्ते लेंगे आप और दो गत्तों में जब आप उसको पेंट को उठाएंगे तो ये बेंड कर जाएगा, लेकिन इन दो गत्तों के दरमियान में आपने ग्लू से इस वुड को जो है लगाएंगे आप तो ये होल्ड करेगा आपके पेंट को और मजबूत होगा, ये टूटेगा नहीं। और ये कार्डबोर्ड, इसको बनाने के लिए ये जो बनाया मैंने दिखाया है ये, अब ये बनाना कैसे? ये आपने जो है एक डब्बा लिया, ये अब मैं आपको करीब से बताता हूँ कि ये डब्बा लिया आपने, इस डब्बे को इसके अंदर आपने ये रस्सी डाली है जो आप ये होल्ड करेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये होल्ड कर लेगा इसको, ये दूसरा डब्बा है, इसमें आपने ग्लू से इसको पत्थरों को लगाना है, ये पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थरों को आपने इसके, क्यों कि ये पत्थर जो है इसको हैवी कर देगा, उससे ये है कि जो आपका पेंट है इसमें आपने ये पेंट बनाना है, वो पेंट की बोतल जो इसमें जाएगी तो ये इसको बैलेंस रखेगा और आखिर तक जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक वो प्रॉपर अपने वेट की वजह से जो है वो आपका जो एंगल जितना बनाना चाह रहे हैं वो उसके मुताबिक वो एंगल चलता रहेगा। उसके अंदर आपने ये गिलास रखना है, ये देखें एक गिलास इसके अंदर भी लगाया है जो इसको होल्ड कर लेगा बिल्कुल एंगल में, कहीं राइट लेफ्ट नहीं करेगा उस बोतल को, ठीक है? आपने ये, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और ये बोतल जो है ये यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी, ये देखिए ये बिल्कुल इस एंगल में आपने इसको कर लेना है। और अब ये हम पेंट बनाएंगे और पेंट बना के आपको फिर मैं पेंटिंग बना के दिखाऊंगा ताकि आप ये तमाम चीज़ें आपके यकीनन आपके गिराज में या वैसे घर में होंगी, कोई चीज़ें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको बाजार से लानी पड़े। और ये देखें ये बिल्कुल ऐसा होल्ड किया उसने वजन, अब ये आप जब पेंटिंग बनाएंगे तो ये जो है ये बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से जो है ना ये अपना अपना पीरियड पूरा करेगी, अपना जो काम है जो आप करना चाह रहे हैं। अब ये मैं बताऊँगा कि ये पेंट बना के, पेंट का आपने क्या करना है, एक एक्रेलिक पेंट लेना है, एक एक्रेलिक पेंट लेंगे उसमें फॉर एग्जांपल 80 ग्राम या 50 ग्राम या 30 ग्राम पानी होगा, 30 ग्राम पानी होगा, उसको मिक्स करना है आपने 80 में 30 ग्राम पानी, उसको आप मिक्स करेंगे। 30 ग्राम पानी मिक्स करने से उसका जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका पेंट जो उसमें से बॉटल में से नीचे गिरेगा वो स्मूथ होगा। तो वो बेहतरीन किस्म की पेंटिंग
आपके पास ये भी बता दूं कि इसको आपने एक तो पेंडुलम पेंटिंग बना रहे हैं आप, उसके अलावा आपने जो फ्लूड आर्ट है, फ्लूड आर्ट को जो है उसमें आपने जो है वो मुख्तलिफ रंग डाल के आपने उसको फ्लूड आर्ट और पेंडुलम पेंटिंग ये दोनों मिक्स बन के जब वो एक डिफरेंट, वो मैं अगले किसी कल अगले सेशन में अगले जनाब उसके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो दोनों कैसे बनेंगी। आज मैं आपको सिर्फ पेंडुलम पेंटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि पेंट कैसे बनाना है और पेंट बना के जो है ना इसको यूज कैसे करना है इसके जनाब। अब ये